नगर निकाय चुनाव के आज तीसरे दिन नामांकन प्रक्रिया सुबह 11 बजे से शुरू हो गई है जो 3 बजे तक चलेगी। आज कई प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन दे रहे हैं, मेयर पद हो या उपमेयर हो या वार्ड पार्षद से हो। सहरसा पहली बार सहरसा नगर निगम बना है और यहाँ भी कई प्रत्याशी आज नॉमिनेशन दे रहे हैं। एक प्रत्याशी हैं सहरसा नगर निगम से जो बतौर मेयर अपना नॉमिनेशन दिए हैं, अभिषेक कुमार वर्मा। उनसे भी हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि उनका रोड मैप क्या रहेगा, किस तरह से वो सहरसा का विकास करेंगे अगर सहरसा नगर निगम की जनता उन्हें जिताती है। क्योंकि कई प्रत्याशी जो हैं अपना नॉमिनेशन दिए हैं, चाहे वो मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या वार्ड पार्षद से हो। हम कोशिश करेंगे कि अभिषेक कुमार वर्मा से जुड़ने का। उन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया है और उनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या रोड मैप उनका रहेगा और किस तरह से वो सहरसा के लोगों। सबसे पहले आपने अभी नॉमिनेशन दिया है अपना सहरसा नगर निगम से बतौर मेयर पद से, कई प्रत्याशी ने नॉमिनेशन अपना दिया है, आपका क्या रोड मैप रहेगा, आप लोगों और प्रत्याशी से अलग कैसे काम करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्याशी बहुत सारे हैं, काम करने वालों की ज़रूरत है। और आपने जैसा देखा है जो पिछले 20-25 साल में सहरसा कोई विकास नहीं हुआ है, इसीलिए पूरे शहर के जितने भी गणमान्य अभिभावक हैं और उन सब के साथ बैठक करके उनसे मार्गदर्शन लेके और सहरसा को कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए विचार विमर्श उपरांत सहरसा को सुंदर सहरसा, बेहतर सहरसा, स्वच्छ सहरसा और समृद्ध सहरसा बनाने का हर संभव प्रयास किया जाए। किस पद से आपने? मुख्य पार्षद। क्या नाम? अभिषेक कुमार वर्मा। ये अभिषेक कुमार वर्मा थे, वो बता रहे हैं कि कई प्रत्याशी ने अपना यहाँ नॉमिनेशन दर्ज किया है, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा अगर जनता हमें प्यार आशीर्वाद देती है, हमारी जीत सहरसा नगर निगम से होती है बतौर मेयर पद से, तो यहाँ का जो सिस्टम है जिसमें जंग लगा हुआ है उसे हम साफ करके सहरसा को एक बेहतर तस्वीर में बदलेंगे। नजरिया न्यूज से मोहम्मद जरुद्दीन, सहरसा।